दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिसके बाद आपके चैनल पे सब्सक्राइबर जो है बढ़ सकते हैं और आपके वीडियोस पे व्यूज़ भी आना चालू हो सकते हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बातें और ऐसी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ जिसकी मदद से इस चीज़ को अगर अपने चैनल पे अप्लाई करेंगे तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपके चैनल पे सब्सक्राइबर और व्यूज़ जो है वो बढ़ेंगे। दोस्तों, जिस टिप्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे भी कर सकते हैं। आपके पास कंप्यूटर पीसी या लैपटॉप है तो उस पर भी ये चीज़ जो है अप्लाई कर सकते हैं। मोबाइल पे अगर आप कर रहे हैं तो आपको जो है क्रोम ब्राउज़र में अपना यूट्यूब चैनल डेस्कटॉप मोड में ओपन करना है। उसके बाद में क्या सारा प्रोसेस करना है, क्या चीज़ देखना है, नहीं देखना है, सारा चीज़ जो है मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन में लेके जाके बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों, मैं अभी जो है अपने कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुका हूँ। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन में क्रोम ब्राउज़र ओपन करके अपना चैनल को ओपन कर लेते हैं। तो मैंने क्रोम ब्राउज़र जो है ओपन कर लिया है और यहाँ से जो है हम अपना YouTube चैनल ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही अपना YouTube चैनल हमने ओपन कर लिया है, इसके बाद में दोस्तों हमें जाना है हमारे चैनल के क्रिएटर स्टूडियो में। तो दोस्तों, ये जो चैनल है फिलहाल नया है, तो इसमें अभी कुछ भी जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इस चैनल पे अभी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये अभी जो है एक हफ्ता हो रहा है इस चैनल को क्रिएट किए। तो मैं अपना जो दूसरा चैनल है, जो एक्शन का रिएक्शन चैनल है, उस चैनल पर ले चलता हूँ और उस पर आपको मैं सारा चीज़ जो है दिखाता हूँ। तो दोस्तों, एक्शन का रिएक्शन चैनल जो है मेरा यहाँ यूट्यूब स्टूडियो पे मैंने साइन इन कर लिया है, लॉग इन कर लिया है। अब यहाँ से जो है हम जाएंगे, इस आइकॉन में क्लिक करेंगे, इसके बाद में आप यहाँ से जाएंगे यूट्यूब स्टूडियो में। दोस्तों, यहाँ पर हमारा यूट्यूब स्टूडियो का पेज जो है ओपन हो चुका है। इसके बाद में दोस्तों हमें जाना है एनालिटिक्स में। तो एनालिटिक्स में मैंने क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लास्ट 28 डेज का जो है व्यूज़ वगैरह सारा एनालिटिक्स आपको यहाँ पर शो हो रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको सबसे नीचे जाना है स्क्रॉल करके, जैसे ये वीडियो के लिस्ट है हमारे, अब यहाँ पर सी मोर पे हमें क्लिक करना है। तो ये हमने सी मोर पे क्लिक किया तो यहाँ पर इस तरह का एनालिटिक्स पेज जो है ओपन हुआ है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें जो है सब्सक्रिप्शन सोर्स ये वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर जब हमने क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मतलब हमारे जो लास्ट 28 डेज में हैं कितने सब्सक्राइबर आए हैं और किस किस जगह से आए हैं। तो सबसे टॉप में है यूट्यूब वॉच पेज, यानी कि यूट्यूब के वीडियोस देख के जो है हमारे सब्सक्राइबर लगभग लास्ट 28 डे में 2500 सब्सक्राइबर आए हैं। और उसके बाद में हमारे जो यूट्यूब स्टोरीज है, जो मैंने स्टोरी पोस्ट किया था, तो स्टोरी में जो है लगभग 197 सब्सक्राइबर हमारे आए हैं। इसी तरह इंटरैक्टिव फ्यूचर से 157 आए हैं। देखिएगा, मोस्ट ऑफ जो केस होता है, जो मतलब ज़्यादातर जो सब्सक्राइबर आते हैं हमारे यूट्यूब वॉच पेज से ही आते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे और देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी वीडियो है जिसमें हमें ज़्यादा सब्सक्राइबर मिले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ मेरे आप देख सकते हैं टॉप 3-4 वीडियोज़ हैं, हमें देखना है, इसका एनालाइज करना है। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं ये जो मेरा एक्शन का रिएक्शन चैनल में बाहुबली का ये जो वीडियो है, लगभग ये 2-2.5 साल पुराना वीडियो है और इसमें लास्ट 28 डे में 733 सब्सक्राइबर इस वीडियो के जरिए मुझे मिले हैं। उसके अलावा ये न्यूज़ वाला चैनल, न्यूज़ वीडियो जो है, इसने मुझे लगभग लास्ट 28 डे में 567 सब्सक्राइबर मुझे दिए हैं। थर्ड में सिनेमैटिक इंट्रो, इससे भी मेरे सब्सक्राइबर आए हैं, हालांकि कम है, मगर 156 सब्सक्राइबर इस वीडियो से आए हैं। तो इसी तरह जो है हमें यहां पर देखना है कि जो हमारे टॉप 3 वीडियोज़ है वो कौन कौन से वीडियोज है जिससे हमें ज़्यादा सब्सक्राइबर मिले हैं। अब जैसे कि अगर हम देखें तो सबसे पहले ये वाला आता है, तो इसको हम एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लास्ट 28 डेज में मुझे लगभग इतने व्यू आए हैं, 298,000 व्यू, ठीक है, और इतने व्यू में मुझे 745 सब्सक्राइबर मिले हैं। यानी कि इस वीडियो में 745 सब्सक्राइबर लाने के लिए मुझे लगभग 3 लाख व्यू, आप समय पकड़ के चलिए, 3 लाख व्यू में मुझे
745 सब्सक्राइबर मुझे मिले हैं। अब इसको बैक कर देते हैं एक बार। अब दोस्तों जो सेकंड वाला वीडियो है इसका मैं यहाँ एनालिटिक्स पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ देखते हैं लास्ट 28 डे में कितने व्यूज़। तो दोस्तों ये 28 डे का नहीं है, यहाँ पर मैं आपको लास्ट 28 डे सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये लगता। तो यहाँ लास्ट 28 डे में आप देख सकते हैं कि 50,000 व्यू इस पे आए हैं और मुझे मिले हैं कितने 548 सब्सक्राइबर। तो अब हमें जो सोचने वाली बात है कि जो पहला वाला वीडियो था उसमें व्यूज़ बहुत ज़्यादा है मगर सब्सक्राइबर कम है, और ये जो वीडियो है ये 50,000 व्यू में आपको लगभग 500 से 550 सब्सक्राइबर मुझे मिल रहे हैं, यानी कि इस पे व्यूज़ कम है मगर सब्सक्राइबर ज़्यादा है, मगर उस वीडियो पे व्यूज़ ज़्यादा है सब्सक्राइबर कम है। अब दोस्तों मुझे सब्सक्राइबर गेन करना है तो मुझे इसी टाइप के टॉपिक पे अगर मैं वीडियो बनाता रहूँगा तो बहुत ज़्यादा चांस है कि मेरे सब्सक्राइबर जो है ज़्यादा आएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों इसी तरह जो है आपको अपने वीडियोस को एनालाइज करना है, देखना है कि आपके चैनल पे ऐसे कौन कौन से वीडियो है जो आपको ज़्यादा सब्सक्राइबर प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि उस वीडियो से आपको ज़्यादा सब्सक्राइबर मिल रहे हैं, और उसी तरह का कंटेंट आपको जो है अपने चैनल पे अपलोड करते रहना है। इससे जो है आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और आपके वीडियो का व्यूज़ भी बढ़ेगा। अब दोस्तों इस चीज़ को मैं प्रूव करने के लिए कुछ और भी चीज़ जो है आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम YouTube में जाते हैं, एक और विंडो खोल लेता हूँ, YouTube का पेज खोल लेता हूँ, और यहाँ पर हम सर्च करते हैं कि कोई सभी एक टॉपिक सर्च करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर YouTube में मैंने सर्च किया है हाउ टू गेट 1000 सब्सक्राइबर ऑन YouTube। अब यहाँ पर सबसे पहले जो है आ रहा है वो है मनोज डे का यूट्यूब चैनल का वीडियो, ठीक है, और ये वीडियो जो है लगभग 6 महीने पहले अपलोड हुआ है और इस पर लगभग जो है ये 1 मिलियन के पास पहुंचने वाला है 6 महीने में। अब यहाँ पर मैं स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ आप देखिए कि हाउ टू गेट 1000 सब्सक्राइबर एंड 400 आवर्स फर्स्ट टाइम। तो सेम टॉपिक पे मनोज डे भाई ने जो है एक और वीडियो बनाया है जो कि 1 डे पहले का, यानी कि कल उन्होंने बनाया है। अब फिर से हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन नीचे करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये एक और वीडियो है 1K सब्सक्राइबर, ठीक है। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड उन्होंने फिर 9 महीने पहले एक वीडियो बनाया है और उस पर भी लगभग 6.5 लाख का जो है इस पर व्यूज़ है। फिर से हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ फिर से देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सब्सक्राइबर से रिलेटेड। तो दोस्तों यहाँ पर बोलने का मतलब ये है कि आप अपनी वीडियो को एनालाइज जब करेंगे और आपको जब पता चलेगा कि आपका चैनल पे कौन से ऐसे वीडियो है जिस पे ज़्यादा सब्सक्राइबर आ रहे हैं और उसी टॉपिक से रिलेटेड आप अगर वीडियो बनाना शुरू करेंगे तो 100% गारंटी है कि आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, आपके व्यूज़ भी बढ़ेंगे। दोस्तों आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके व्यूज़ भी बढ़ने ही बढ़ने हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। जिस टिप्स के बारे में मैं बताने वाला हूँ इस चीज़ को आप अप्लाई कीजिए और आपके चैनल पे आप जो है व्यूज़ और सब्सक्राइबर ला पाएंगे। उम्मीद है दोस्तों कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज का वीडियो बस इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।